उत्तर प्रदेश के संभल में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियों के संबंध में समस्त प्रभारी सहायक प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को लेकर महत्वपूर्ण बैठक है। आचार संहिता लगने से चुनाव समापन तक जिन अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी एवं सहायक प्रभारी अधिकारी के रूप में नामित किया गया है एवं जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसको पूर्ण रूप से निभाएं। उसके पश्चात जिलाधिकारी ने प्रभारी अधिकारी एवं सहायक प्रभारी अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारियों के साथ संबंध में चर्चा की, जिसमें मैन पावर मैनेजमेंट के अंतर्गत कार्मिकों की चुनावी ड्यूटी एवं पोलिंग पार्टी आदि को लेकर चर्चा की एवं संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी कार्मिक की ड्यूटी को नहीं काटा जाएगा तथा 40% विकलांग अगर अक्षम है तथा गर्भवती महिलाओं एवं अगर कोई पुरुष एवं महिला कार्मिक पति पत्नी है तथा दोनों ही चुनाव ड्यूटी में लगाए गए हैं उनके संबंध में चर्चा की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्मिकों का एक्सेल शीट पर ऑफलाइन डेटा भी तैयार करा लिया जाए। चुनाव में आने वाले ऑब्जर्वर के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी के स्टेनो को भी चिन्हित किया जाए। ट्रेनिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत पीठासीन एवं अन्य कार्मिकों का प्रशिक्षण व्यवस्थित रूप से कराने को लेकर भी निर्देशित किया और जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशिक्षण देने वाले ट्रेनर दक्ष होने चाहिए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।